आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। रविवार को बिरहोर विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गुणवंत सिंह सलूजा के द्वारा खंडोली में पिकनिक बिरहोर बच्चों के साथ मनाया गया। मैं गुरुन सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये जो बिरहोर विकास समिति है, ये सर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हमारे बच्चों को ये फील ना हो कि हम लोग अलग हैं, हम लोगों को ये व्यवस्थाएं नहीं मिलती, हमें भी पिकनिक जाना है, डांस करना है, बहुत सारी खुशियां मनानी है। इसके लिए सर ने क्या किया कि हमारे लिए पिकनिक का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने आयोजन किया और हमें यहाँ पे खंडोली स्थित पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे हमें लेकर के आए। मैं सर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। कैसा एंजॉय कर रहे हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड के जाने माने उद्योगपति और गिरिडीह बिरहोर विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गुणवंत सिंह सलूजा के सौजन्य से रविवार को खंडोली पर्यटन स्थल पर बिरहोर बच्चों के लिए वनभोज का आयोजन किया गया। मौके पर आदिम जनजाति के बच्चों के साथ श्री सलूजा व अन्य समिति सदस्यों ने कुछ शानदार पल गुजारे। यहाँ बच्चों में खासा उत्साह बना हुआ है। मौके पर मौजूद डॉक्टर गुणवंत सिंह सलूजा ने बताया कि यह बिरहोर जनजाति लुप्त होती जा रही है, ऐसे में इनके संरक्षण का जिम्मा बिरहोर विकास समिति ने उठाया है। जिला प्रशासन के आग्रह पर बिरहोर बच्चों के पठन पाठन और आवासीय व्यवस्था समिति द्वारा की गई है। मैं डॉक्टर रितेश हूँ, बेसिकली मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और बिरहोर विकास समिति से मैं पिछले लगभग 6 साल से जुड़ा हूँ। मैं अभी वर्तमान समय में बिरहोर विकास समिति का सचिव हूँ और गुणवंत सर के साथ और समिति के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर के इसका हम लोग संचालन कर रहे हैं। समिति के बारे में तो मैं यही कहूँगा, 2014 से ये समिति अपने रूप में आई है और ये बेसिकली पहले ये दूसरे नाम से आदिम जनजाति संगठन के नाम से पहले ये काम कर रही थी, जब बिरहोर बच्चों का ये ध्यान रखती थी। उसके बाद बिरहोर विकास समिति अपने स्वरूप में आया और गुणवंत सर इसके प्रेसिडेंट हैं और मैं बाद में इसका सेक्रेटरी बन गया और हम लोग मिलकर के इसको चला रहे हैं। प्रशासन का भी सहयोग रहा है जिसके थ्रू हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया। पहले फुटबॉल मैच कराते थे जिससे हम लोग फंड का ज़रूरत के अनुसार हम लोग उसका व्यवस्था करते थे। अभी इस समय पिछले करीब 1.5 साल या 2 साल से मैं कहूँगा मुंगिया स्टील से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। एक्चुअली सारा फंड वहीं से आ रहा है जहाँ से हम लोग इन बच्चों का देख रेख और सारा खर्चा उठा रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा रकम है, लगभग 2 लाख के आसपास पर मंथ का खर्च होता है जो कि वहाँ से किया जा रहा है। और जो काम ये समिति कर रही है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे पास लगभग 6-7 टंडे के बच्चे हैं और केवल गिरिडीह नहीं, गिरिडीह के आसपास की जगह बोकारो का एरिया है, हजारीबाग का एरिया है, धनबाद का एरिया है, जहाँ के बिरहोर बच्चों को हम लोग यहाँ लाते हैं, रखते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई, रहना, खाना पीना, स्वास्थ्य, सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए और उनको किसी तरह की कमी नहीं हो, वो फील नहीं करे कि वो एक अच्छे माहौल में नहीं हो। इवन जो चीज़ उनको घर में नहीं मिल पा रहा था वो लाड़ प्यार हम लोग उतना तो उनके माँ बाप के जैसा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उससे कम भी नहीं हो और बाकी ज़रूरतों को भी जो उनको एक अच्छे परिवार से मिलना चाहिए वो सारा कुछ हम लोग यहाँ उनको मुहैया करा रहे हैं, चाहे वो कपड़ा हो, खाना पीना हो, साल में पिकनिक हो या किसी और दूसरे तरह का कोई आयोजन में पार्टिसिपेट कराना हो वो भी हम लोग करवा रहे होते हैं। और यह हर एक पर्व त्यौहार का बहुत अच्छे से धूमधाम से इनके साथ हम लोग मिलकर के मना रहे हैं। आज बिरहोर छात्रावास में बोकारो, सरिया, हजारीबाग आदि स्थानों में बच्चे रहते हैं। कुल 150 बच्चे हैं जिसका पूरा खर्च मुंगे ग्रुप उठा रहा है। उन्हीं बच्चों के लिए यह वनभोज की व्यवस्था की गई है। मौके पर समिति के डॉक्टर रितेश कुमार, हॉस्टल इंचार्ज किरण कुमारी आदि मौजूद रही। अभी जिस तरह का पिकनिक वगैरह का मौसम है उसी तरह हमारे भी बिरहोर विकास के जो बच्चे हैं इन सब को भी हम लोग पिकनिक में लेकर के आए हुए हैं खंडौली डैम में। और एक कोई भी पर्व त्यौहार हो, जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व हो या धार्मिक पर्व हो, तो हम लोग बच्चों के साथ ही मनाना पसंद करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है कि सारे बच्चों के साथ और ये हॉस्टल में अथवा जैसे अभी यहाँ पिकनिक है तो इन लोगों के साथ हम लोग भी इन लोगों की खुशी में शामिल हों और इन लोगों के साथ पिकनिक मनाएं, एक अच्छा माहौल बनता है और बच्चों में भी उत्साह बढ़ता है कि सारे परिवार के साथ जैसे मिल के काम करते हैं उसी तरह बच्चे भी हमारे साथ पिकनिक मनाते हैं और इनका भी पढ़ाई लिखाई और अन्य कार्यक्रम देख करके हमें भी बहुत खुशी होती है।
इसी तरह से जितने तरह के कार्यक्रम है, अभी 26 जनवरी में भी झंडोत्तोलन वगैरह होगा, अथवा जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, चाहे धार्मिक पर्व हो चाहे कोई भी, सब हम लोग इनके साथ हॉस्टल में अथवा जैसी जैसी जरूरत पड़ती है उस जगह पर मनाते हैं, और इसका एक अलग आनंद है। हम लोग समिति के लोग सभी को आमंत्रित करते हैं कि आएँ और आकर देखें कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। ये एक विलुप्त होती प्रजाति है, किस तरह से आपने इसका जिम्मा उठाया, कैसे ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? मुझे शुरुआत में तो इतना ज़्यादा नहीं पता था, उस समय बहुत कम बच्चे भी थे, लेकिन शुरू से जैसे कोई भी काम में लग गए तो धीरे धीरे पहले प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, और उसके बाद धीरे धीरे फुटबॉल मैच वगैरह करा करके बच्चे, लेकिन जब बच्चे आने लग गए, पढ़ने लग गए, तो बीच में किसी काम को नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक हम लोग समिति के लोग मिल करके और मुंगिया स्टील से इसका फंड का इंतजाम करके हम लोग इसको चला रहे हैं कि अच्छे से चले। फिर आगे जहाँ व्यवस्था हो पाएगी हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि और अच्छे से हो और भी बड़े रूप में हो सके। गिरिडीह से प्रिंस झा की रिपोर्ट।